अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में मनोकामना पूरा करने वाले कठिन व्रत त्योहारों में से एक नाम जितिया व्रत कहता है, जो कि बिहार और इससे सटे राज्यों में खास तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत को संतान के लंबे उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं। इस व्रत की ख्याति और मनोकामना सिद्धि ऐसी है कि बिहार से सटे देश नेपाल के भी कई हिस्से में इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। ऐसे में जितिया को मनाने का इतिहास, इसके पीछे की कहानी, उद्देश्य और व्रत का महत्व जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो आइए हम आपको जितिया व्रत के इतिहास और महत्व आदि के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। जितिया का दूसरा नाम जीवित पुत्रिका भी है। इसे मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे महाभारत की कथा से जोड़ते हैं, तो वहीं चील सियारिन की कहानी भी पौराणिक मान्यताओं में जितिया को मनाने के पीछे की वजह बताई जाती है। वहीं इसे मनाने के पीछे सबसे फेमस वजह जीमूत वाहन भी माने जाते हैं। तो आपको इन तीनों कहानियों के बारे में बताते हैं। पहली कथा चील सियारिन से जुड़ी है। पुराने समय में नर्मदा नदी के तट पर कंचनवती नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में फैले मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था, जिस पर एक चील रहा करती थी। वहीं पेड़ के नीचे वाले भाग में खोखले जगह में एक सियारिन रहती थी। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर उन्होंने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और उन दोनों ने ही कथा को सुनकर और जीवित वाहन भगवान की पूजा की। लेकिन व्रत वाले दिन ही शहर के एक धनी व्यापारी की मौत हो गई और दाह संस्कार के लिए उन्हें उसी तट पर लाया गया। इधर सियारिन को व्रत करना भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह भूखे नहीं रह पा रही थी। वहीं मुर्दा को देखते ही सियारिन खुद को रोक ना सकी और चील से छिपाकर अपने व्रत को भंग कर लिया। दूसरी तरफ चील ने खुद पर संयम रखते हुए नियम और श्रद्धा के साथ व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। कुछ समय के बाद दोनों का यह जन्म पूरा हो गया और अगले जन्म में दोनों ने एक ही ब्राह्मण के घर में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी, जिसका नाम शीलवती था, जबकि सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी, जिसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई, जबकि कपूरावती की शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। वहीं पूर्व जन्म के फल से और जीमूत वाहन भगवान की कृपा से शीलवती के साथ होनहार पुत्र हुए, जो कि राजा के दरबार में काम करने लगे, जबकि कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। एक बार जलन से उसने अपनी बड़ी बहन के सभी संतानों के सिर धड़ से अलग करके लाल कपड़े में ढक शीलवती के पास भिजवा दिया, मगर भगवान जीवित वाहन ने सातों पुत्र को जीवित कर दिया। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के दुख को देखने के लिए खुद ही वहां पहुंच गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ देख फिर वह रोने लगी, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन ने उसे पूर्व जन्म के चील सियारिन के किस्से को सुनाया कि किस तरह पूर्व जन्म में वह सियारिन के रूप में व्रत को तोड़ दी थी। इसके बाद शीलवती ने जितिया को विधि विधान से करने की सलाह दी। तब छोटी बहन कपूरावती ने नियम के साथ पूजा की और फिर उसकी भी गोद भर गई। दूसरी कहानी नागवंश से जुड़ी है, जिसमें नागवंश परिवार की एक बुढ़िया इस बात से रोती रहती है कि उसके इकलौते बेटे को आज शपथ के अनुसार पक्षीराज गरुड़ को भेंट के स्वरूप चढ़ाया जाना है। उसके यह समस्या को सुनकर उस जंगल से गुजर रहे जीमूत वाहन राजा उसकी समस्या को दूर करने का वचन दे देते हैं और बुढ़िया के बेटे की जगह वह खुद ही गरुड़ का भोजन बनने चले जाते हैं। गरुड़ को शक होने पर वह उनके बारे में पूछता है। तब जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार भावना से खुश होकर वह सांपों से कोई भी बलिदान नहीं लेने का वचन दे देता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया को मनाया जाता है। अब हम बात तीसरी कहानी की कहते हैं, जो कि महाभारत से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक बार अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे उसका बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो गया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। तब से ही जितिया को मनाया जाता है। आपको बताते चले कि इस व्रत को पीछे मनाने का महत्व काफी बड़ा है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शादीशुदा महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए जीवित पुत्र का व्रत करती हैं।
संतान के लिए यह व्रत अत्यंत ही महत्व रखता है, क्योंकि इस व्रत को करने से संतान की खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होते हैं। यह व्रत वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए भी काफी महत्व रखता है। इस व्रत को करने से संतान को चारों ओर यश मिलता है, इसलिए इस व्रत को बिहार सहित इससे सटे राज्यों में काफी ही विधि विधान और नियम के अनुसार किए जाने की परंपरा रही है। तो यह थी जीतिया को मनाने के पीछे की वजह और इसका महत्व। आपके यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।